समझौता एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ आके खड़ी होती थी समझौता एक्सप्रेस। और लोगों को बेचारे जो मिलते सन जान लगे रोंदे छोंदे अपने जियां नूं मिल के बड़े रोंदे सी बेचारे। यह है जी लाहौर का तारीखी रेलवे स्टेशन, ब्रिटिश राज की निशानी। 1860 में ये मुकम्मल हुआ और उसी दौरान पहली ट्रेन यहाँ से लाहौर से अमृतसर गई थी। ते जो समझौता चलती सी किन्ने नंबर प्लेटफॉर्म ते होंदी हुंदी सी? एक नंबर ते। ते विचो मुसाफर उधरों जिहड़े आउंदे हुंदे ना बहुते कौन लोग सन? दूसरे ये बहुत खास वीडियो है क्योंकि आज मैं आया हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन और वही पुराना रेलवे स्टेशन जो कि अंग्रेज़ ने बनाया था। ये सारा इसका आज आपको विजिट करवाते हैं और साथ वो भी दिखाते हैं आपको प्लेटफॉर्म जहाँ से ट्रेन दिल्ली जाया करती थी और दिल्ली से वापस पाकिस्तान आया करती थी। कुछ पुराने कुली हैं उनसे बात करेंगे। ये चाचा जी बहुत पुराने हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। जो इंडिया वाला प्लेटफॉर्म है, सिखों का सामान हिंदुओं का सामान ये बाहर लेके जाते थे और फिर वो ट्रेन बंद हो गई और अब ये जो प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है ये इंडिया वाला प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग अब खाली बेंचों पर सोए हुए हैं, न तजारत और ना ही पैसेंजर आते जाते हैं। ये जनाब लाहौर का वही कदीमी रेलवे स्टेशन जो किला नुमा था। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है क्योंकि बहुत काम ऐसी अच्छी वीडियोज़ मेहनत वाली वीडियोज़ आपके लिए आती हैं। यही वो स्टेशन जो कि 1947 की तल्ख यादों से भरा हुआ है। बहुत सारे ज़ख्म जुल्म इस स्टेशन ने अपनी आंखों के साथ देखे हैं। मुसलमान बड़ी बुरी हालत में इंडिया से पाकिस्तान इसी स्टेशन पर पहुंचे और हिंदू सिख वो भी बेचारे बड़ी बुरी हालत में परेशानी की हालत में इसी जगह से इंडिया गए। तो चलें आपको साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं, साथ साथ वो तारीखी यहाँ के जो चीज़ें हैं वो भी दिखाते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। यह रेलवे स्टेशन जिस पर उस वक्त 5 लाख रुपए लागत आई थी और इसको बनाने वाले आर्किटेक्टर का नाम था मियां सुल्तान चुगताई साहब, उन्होंने इसका सारा जो है नक्शा बनाया था। और ब्रिटिश ने जब ये स्टेशन बनाया था तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसकी जो इमारत है ना वो एक किला के तौर पे बनाई थी कि अगर उस वक्त बैरूनी हमलावर होते हैं लाहौर पे हमला करते हैं तो ये जो किला स्टेशन है इसको किला के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी बुर्जियाँ बनी हैं, थंब पिलर्स बनाए गए हैं बाहर ईंटों के साथ, उनके ऊपर उस वक्त गन शिकन जो है ना वो असलहा रखा जाता और वहाँ पर तोपें रखी जाती थी छोटी, जो कि क्योंकि ये स्टेशन वॉल्ड सिटी से बाहर बनाया गया था, खेत थे चारों तरफ। और ये स्टेशन जो है ना आज भी ऑफ कोर्स कारामंद है, यहाँ से ट्रेन कराची जाती है, शेखपुरा फैसलाबाद वाली साइड पे, रावलपिंडी कराची नारोवाल मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेन जाती है। और जो यहाँ से ट्रेन वाघा बॉर्डर के रास्ते अटारी अमृतसर और दिल्ली जाती थी वो ट्रेन आजकल बंद है, जिसको समझौता एक्सप्रेस कहा जाता था। समझौता एक्सप्रेस जो है ना वो अब जो है ना उसकी आमदरफ्त कुछ सालों से बंद है, उसका ट्रैक भी आहिस्ता आहिस्ता अब ख़राब हो रहा है। समझौता एक्सप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपको दिखाते हैं और इसके साथ साथ ये मौजूदा स्टेशन है, इसकी इमारत और इसके बारे में मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि यही आपकी तरफ से हमें एक अप्रिसिएशन होती है, एक रिवार्ड होता है, ठीक है ना। तो लाहौर का ये रेलवे स्टेशन मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे डिब्बे हैं जो लगेज मालगाड़ी के डिब्बे हैं। ये मेरे राइट साइड पे टोटली जो है ना वो आगे शुमाली लाहौर का इलाका है और उसके बाद फिर ये सारी जो ट्रेन है कम से कम ये 13-14 यार्ड हैं ट्रेन के, यहाँ पर सारी मालगाड़ियाँ और नकारा डब्बे हैं, जबकि जो इस साइड पे है ये सारे मेन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स सारे मौजूद हैं। अच्छा ये है जनाब समझौता एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म, शुरू दिन से यही है, जब से ट्रेन इंडिया जाती है या इंडिया से आती है यही रहा है, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म देखते हैं कि इस पर कोई ट्रेन आती भी है कि नहीं, और इसकी लाइनें, इसके बेंचेस, इसके ऑफिसेज आज के साल में हैं। ये जनाब आ गया समझौता एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ आके खड़ी होती थी समझौता एक्सप्रेस। और ये जनाब कराची एक्सप्रेस आ रही है कराची से। दोस्तों उजरा पड़ा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हिंदू सिख मुस्लिम
इंडिया जाने के लिए बैठते थे या इंडिया से आते थे? दोस्तों यही वो प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल अब वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। जब समझौता एक्सप्रेस चलती थी तो वो सिर्फ पैसेंजर्स ही लेके नहीं आती या जाती थी, ट्रेड होती थी सब्जियां, फल और बहुत सारी चीज़ें जो ना वो इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, जो जो कुछ मतलब है तजारत होती थी, ऐसा सिस्टम एक चलता रहा। लेकिन अब जो है ना वो समझौता एक्सप्रेस बंद हुई और सारा कुछ जो है ना वो वहीं रुक गया और ये प्लेटफॉर्म, ये फर्श, ये साहिबान सारे उन मुसाफिरों के मुंतजर हैं जो यहाँ पर सफ़र करते रहे हैं। ये जी सारे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड बने हुए हैं पुराने हैं, कैनोपी, ये पिलर्स, ये मेन बिल्डिंग है सामने फ्रंट की। ये रेलवे स्टेशन जी अब बिल्कुल लाहौर शहर के वस्त में आ चुका है, लेकिन जब ये बनाया गया था हर तरफ खेत थे, जैसा कि आपने देखा है तस्वीर में भी कि इसके आसपास सिर्फ खेत थे, जिमीदारा करते थे जो उस वक़्त किसान थे। हर तरफ आप देखें वीरानी है। इंडिया से जब ट्रेन आती थी वो जस्ट मुसाफिर लेके नहीं आती थी, ट्रेडिंग भी होती थी। चार गड़िया मुसाफर उधरों जिहड़े आउंदे हुंदे ना बहुते, कौन लोग सन? सिर्फ मुसाफिर ही आ हो भी आ सब्जियां फल या कोई मिर्चा कोई फल फूल तो कोई नहीं सी, पहले ही आंदा सी, फिर मुड़ के बंद हो गया मुसाफिर ही आगे। हाँ जी, तो इधरों भी जाते होंगे सर भर के गड्डी? इधरों भी भर के जाते जो समान वो बेचते सी, बेच के दूसरा समान इधरों खरीद के ले जाते सी। वो जड़े होंगे सर हिंदू सिख? हाँ जी, वो बहुत ही समान ले जाते। तो चाचा कभी वेख्या लोगों को बेचारा जो मिलते सन जान लगे रोंदे छोंदे अपने जिया मिल गए? बड़े रोंदे सी बेचारे तो। अच्छा हाँ, तो वो जी तुम्हें दिल होंगे ना परेशान? हाँ परेशान तो होंगे ही कि विछड़ देने पे। हाँ जी, तो जो आते हैं उदो तो खुश होने सारे? हाँ सारे, जो गड्डी आती सी हाँ मिलन वास्ते आते सी बेचारे, कई रह जाते सी कई चले जाते इस तरह। अच्छा सही है, तो जी की चलनी चाहिए है ट्रेन? चलनी चाहिए वैसे वो बहुत चंगी है। अच्छा हाँ जी सही है, क्योंकि वो समान लेंदे सी फिर होटल ते ले जांदे सा रेड़ियां भर के, वो तो समान वावा लेंदे सी इधर फिर जांदे सवेर। ठीक है हाँ जी, ते मैनू ये दसो ना तुसी थोड़ा जिहा कि जेहड़े अपना तुहाडी किन्नी कोई ते बन जांदी दिहाड़ी अजकल? अजकल 500 700 बन जांदी
गुजारा हो जाता कि नहीं गुजारा आपे गुजारा होना रोटी काली है साल ना खा के तो फिर जेडे बच गए वो आगा कट्ठे कीते रखे अठवें दिन काट गया पंजवें दिन छेवें दिन गई तुहाडी सरकारी ते नहीं ना हुंदी कोई गल नहीं दिहाड़ी है नहीं दिहाड़ी ये जनाब लाहौर का स्टेशन इसके तमाम शोभा जात आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से पाकिस्तान की ट्रेनें चलती हैं इंडिया वाली चलती हैं और इसकी जो साथ साथ पुरानी इमारतें हैं ठीक है ना सामान लोडिंग अनलोडिंग ये जो कुली हैं सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं देखिए ना अमिताभ बच्चन की मूवी स्टेशन पे जब आते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है एक तो ये कि ये वही है जहाँ बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं ठीक है ना अब ये देखिए ये स्टेशन के साथ बाहर एक कमरा है ओह ये देखें जी पुरानी पेटी लकड़ की पड़ी हुई है अब इसमें किस किस्म का सामान है वो मुझे नहीं पता क्योंकि इसको लॉक लगे हुए हैं लेकिन ये बिल्कुल वही ब्रिटिश राज की पुरानी पेटी है बहुत बड़ी पेटी है साइज़ में ये और ये पूरा एक हॉल है जिसकी छतें अब ख़राब हो चुकी हैं यहाँ पर एक दौर में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट भी बैठता था उसकी अदालत भी थी ठीक है ना आपको ये अंदर से दिखाते हैं इसका सारा ये देखिएगा ना बहुत लंबा हॉल है ये जो स्टेशन की मेन बिल्डिंग है ना आउटसाइड ये वहाँ पर है जो मजिस्ट्रेट मैंने कहा ना वो रेलवे का मजिस्ट्रेट होता था जो रेलवे के चालान और जो रेलवे के हवाले से केसेस होते थे उनके हवाले से वो केसेस जो ना सुने जाते थे अब ये बिल्कुल ये अदालत भी मजिस्ट्रेट साहब की और ये पेटी बिल्कुल बर्बाद है इसी स्टेशन के बाहर 1947 से पहले अंग्रेज़ के साथ झड़पें भी होती थी लाला लाजपत की जो है ना वो यहाँ पर ही ये लड़ाई हुई थी ब्रिटिश आर्मी के साथ और फिर वो काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे और वही उनकी डेथ का बायस बनी इसी स्टेशन के बाहर ये जो अभी आप नज़र देख रहे हैं ना यहाँ पर तो दोस्तों पर बड़ी तलख यादें हैं इस स्टेशन के साथ लाहौर वाघा बॉर्डर के रास्ते ट्रेन अमृतसर और फिर दिल्ली लेकिन आजकल ये बिल्कुल भूत बंगला बन चुका है जहाँ रहे खुश रहें औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।